गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भ्रूणकोष के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूणकोष क्या है, उसका क्या महत्व होता है, वह कितने प्रकार का होता है और उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब ऐसी अवस्था में जो मेल गैमेट फर्स्ट है, वह एक सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करता है। जबकि जो सेकेंड गैमेट्स होता है, द्वितीयक इंद्रक होता है, वह द्वितीय केंद्र सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ कंबाइंड होकर द्वितीय केंद्र के साथ जो है कंबाइंड होकर यह प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है और यही प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चलकर भ्रूणकोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और यह एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, डेवलपिंग भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह भ्रूणकोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणकोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणकोष और तीसरा हेलोवियल भ्रूणकोष। इन तीनों भ्रूणकोष में बेसिक अंतर क्या है, पहले उसको समझ लें। देखिए, नाभिकीय भ्रूणकोष का अर्थ है कि ऐसा भ्रूणकोष जिसमें नाभिक के विभाजन के पश्चात सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, कोशिकीय भित्ति का निर्माण नहीं होता, नाभिकीय भ्रूणकोष कहलाता है। कोशिकीय भ्रूणकोष से तात्पर्य ऐसे भ्रूणकोष से है जिसमें नाभिक के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति बनना शुरू होती है और वह दो या अन्य भागों में बंटना शुरू हो जाती है। जबकि हेलोवियल भ्रूणकोष से तात्पर्य ऐसे भ्रूणकोष से है जो दोनों प्रकार का होता है, अर्थात नाभिकीय भ्रूणकोष और कोशिकीय भ्रूणकोष दोनों प्रकार का होता है, ऐसे भ्रूणकोष को हम हेलोवियल भ्रूणकोष कहते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणकोष क्या है और इसका विकास किस प्रकार होता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऐसा भ्रूणकोष जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के विभाजन के फलस्वरूप जिस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसमें न्यूक्लियस के बनने के साथ साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणकोष कहलाता है। इस प्रकार के भ्रूणकोष जो है वो पॉलीपेडली समूह के सदस्यों में पाए जाते हैं और स्पेशली यहाँ पर कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि एक टिपिकल एग्जाम्पल के रूप में रखा गया है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लगभग 56% कुलों में स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणकोष पाया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से है मालवा, कैलोट्रॉपिस, सिट्रस आदि। इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उस पर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पश्चात की स्थिति को बता रहा है। सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित हो गया है। अब यही डॉटर न्यूक्लियाई अनेक डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ते चले गए हैं और जब ये बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं, तब इनके बीचों बीच में एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो न्यूक्लियाई है वो परिधि की ओर आकर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जब ये परिधि की ओर आकर एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, तब इन केंद्रिकाओं के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है और फिर कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणकोष का विकास होता है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वह लगातार विभाजित होते रहता है और विभाजित होकर ये इनके बीचों बीच में वैक्यूल्स बनता है और ये न्यूक्लियाई जो है वो परिधि की ओर आकर एकत्रित हो जाते हैं और अंत में
इन न्यूक्लियाई के चारों ओर कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं पर हम दूसरे भ्रूणपोष की तरफ आए, कोशिकीय भ्रूणपोष। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि कोशिकीय भ्रूणपोष से तात्पर्य ऐसे भ्रूणपोष से है जिसमें न्यूक्लियाई के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है गैमियोपेटली के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे धतूरा, अमरबेल, पिटूनिया आदि में। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिखा है, केवल उन एग्जांपल्स को लिखने की कोशिश की है जो आसानी के साथ जो है आप याद रख सके। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है जैसे ही दो भागों में बटा, इन दोनों के बीच में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ दो भागों पूरी की पूरी जो कोशिका है वो दो भागों में बढ़ गई। अब जहां जितने बार भी ये विभाजन होगा उतनी बार में हर बार जो है वो इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होते चले जाता है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। हेलोबियल भ्रूणपोष, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वह भ्रूणपोष है जो नाभिकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों प्रकार का होता है। चूंकि एकबीजपत्री वर्ग के सदस्य, एकबीजपत्री वर्ग हेलोबियल्स में ये पाया जाता है, इस कारण से इसको हेलोबियल नाम भी दिया गया है। इसमें होता क्या है देखें, इसके एग्जांपल के रूप में वेलिस्मेरिया है हमारे सामने। ये आप देख रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो है भ्रूणपोष की संरचना है। जैसे ही इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस विभाजित हुआ, ये दो कोशिकाएं बन गई। जो सबसे नीचे वाली जो कोशिका है जो चलाजल की ओर होती है चलाजल चैम्बर कहलाती है, जबकि जो बड़ी कोशिका जो माइक्रोपायल की ओर होती है माइक्रोपायल चैम्बर कहलाती है। इसके पश्चात जो माइक्रोपायल चैम्बर है में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है लगातार विभाजित होते रहता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। वही चलाजल चैम्बर का केंद्र भी विभाजित होते रहता है, लेकिन इनका जो आकार है ये काफी छोटा होता है। जब चलाइजल चैम्बर के न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, तब ऐसी अवस्था में ये जो है चलाइजल चैम्बर के न्यूक्लियस को भी ढकना शुरू कर देते हैं और अंत में इनके चारों ओर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इस प्रकार से हेलोबियल भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा है कि भ्रूणपोष जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, सतत नाभिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। अब इन भ्रूणपोष का महत्व क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की है, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना ही भ्रूणपोष का कार्य होता है। इसके अलावा एक चीज और आप आसानी के और एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, भ्रूणपोष चूषकांग कि भ्रूणपोष चूषकांग क्या होते हैं। मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये भ्रूणपोष है और इस भ्रूणपोष का मुख्य रूप से काम क्या है, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन भ्रूणपोष के चारों ओर से भ्रूणपोष के भागों से कुछ अतिवृद्धियां निकलती है, इन अतिवृद्धियों को ही भ्रूणपोष चूषकांग कहते हैं। अब ये किस दिशा से निकल रही है उस आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। अगर हम देखें, अगर ये माइक्रोपायल चैम्बर की माइक्रोपायल छिद्र की ओर से निकलती है, तब ऐसी अवस्था में इसको माइक्रोपायल ऑस्टेरिया कहा जाता है, माइक्रोपायल बीजान द्वारी चूषकांग कहा जाता है। अगर मान के चलिए यहां चलाइजा वाले रेजोनेंस की तरफ से निकलता है, तब ऐसी अवस्था में हम इसे चलाइजल हॉस्टेरिया कहते हैं। अगर मान के चलिए ये दोनों तरफ से निकलता है, तब ऐसी अवस्था में इसको माइक्रोपायल चलाइजल हॉस्टेरिया कहा जाता है। तो इस वीडियो में अभी आप लोगों ने देखा कि भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष का क्या महत्व है, कितने प्रकार का होता है और भ्रूणपोष चूषकांग क्या होते हैं। बाकी की जो बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।